हेलो एवरीवन, दिस इज राम। वेलकम टू स्टेट टेक एकेडमी। आज हम आपको एन एलियन हैंड का जो चैप्टर वन है, द टाइनी टीचर, इसके आपको आज डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आपको बताएंगे। और अगर आप ऐसे सभी चैप्टर्स के करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। क्लास 7th के सभी सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 7th से लेके क्लास 12th तक, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो शुरू करते हैं डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑफ द टाइनी टीचर। तो फर्स्ट वर्ड है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मीनिंग होता है स्मॉल एनिमल, जिसे हम कहते हैं कीट, कीड़े, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल, कीट। नेक्स्ट है मॉस्किटो। मॉस्किटो का मीनिंग है अ सिंगिंग नेट, यानी कि मच्छर जो कान में भू करता है ना, सिंगिंग नेट, तो हमारे मच्छर हैं, मॉस्किटोज बोलते हैं उनको, सभी जानते हैं। नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म्स का मीनिंग है अ स्मॉल क्रीपिंग इंसेक्ट, यानी कि कीड़ा, ये भी कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट। कॉमनेस्ट का मीनिंग है फाउंड एवरीवेयर, यानी आम या सामान्य भी जिसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वाइस्ट, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट या बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति, वाइस्ट पर्सन, या जिसे कहेंगे इंटेलिजेंट या बुद्धिमान। फैक्ट्स का मीनिंग होता है ट्रुथ, तथ्य। और इसके नेक्स्ट में अब हमारा क्रिएचर। क्रिएचर का मीनिंग है ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्राणी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिएचर्स। फीलर। फीलर का मीनिंग होता है समथिंग, समवन दैट फील, जो फील कर सके, स्पर्श, उसे कहते हैं फीलर। ग्रीट्स का मीनिंग है मीट, स्वागत करना। नेक्स्ट है डायरेक्शन, मीन साइड या दिशा, साइड या दिशा, हिंदी में दिशा। नेक्स्ट है अटेंशन का मीनिंग है हीड, यानी ध्यान। इसके नेक्स्ट में हमारा पैसेज का मीनिंग है वे, मार्ग, रास्ता। नेक्स्ट है बैरिक का मीनिंग होता है प्लेस फॉर सोल्जर्स, सेना निवास, जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उसे कहते हैं बैरिक। नेक्स्ट है हमारा ग्रब का मीनिंग है लार्वा, लार्वा यानी सुंडी, यानी कि एक इंसेक्ट का ही ये टाइप है, जिसे कहते हैं ग्रब। नेक्स्ट है ड्रोन, इसका मीनिंग है मेल हनी, यानी नर मधुमक्खी। और ग्राब, ग्रब जो है, ड्रोव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। रीड, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्री, छोड़ना। हैच, हैच यानी कि टू ब्रिंग फोर्थ यंग वंस फ्रॉम एग्स। अंडे, सेना, यानी जैसे आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे सेकते हैं, तो अंडे सेना यानी हैच, और इंग्लिश मीनिंग में टू ब्रिंग फोर्थ यंग वंस फ्रॉम एग। नेक्स्ट है कोकून। कोकून जो होता है वो होता है अ सिल्क केस स्पन बाय सिल्क वॉर्म्स, रेशम कीट। और नेक्स्ट वन है बीटल। बीटल का मतलब होता है काइंड ऑफ इंसेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं झिंगूर। सेंसेस, नेक्स्ट है सेंसेस, इसका मीनिंग है एबिलिटी टू परसीव, यानी होश, जो हमारी इंद्रिया होती है सेंसेस, एबिलिटी टू परसीव। नेक्स्ट है लॉयल्टी का मीनिंग है डेवोशन, वफादारी, इसे कहते हैं लॉयल्टी को, ईमानदारी या फिर निष्ठा। तो ये थे 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो आज हमने आपको बताए। ऐसे आप सभी की करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड हैव अ गुड डे।